Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 13 in class 11. So in previous class we did studying about the electrophilic substitutes and reactions like chlorination, nitration, sulfonation, clear, hydrocarbon reaction, acidation and alkylation. So ये सभी reactions का electrophilic reactions होते हैं. ये electrophilic क्यों हो रहा है? किस तरह से electrophiles बनते हैं? इसको आज हम study करेंगे. पहले इनके मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन कंप्लीट इन थ्री स्टेप. सो फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज होते हैं उनके क्या हो ना फॉर्मेशन. तो हम क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन केस में आप लोगों ने पढ़ा था उसमें कैटलिस्ट क्या रहते हैं? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड रहते हैं. क्लोरीनेशन होना मतलब किसका एडिशन होगा? क्लोरीन. तो सबसे पहले हम क्या है सी एल एंड सी के इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. इन तीनों केस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ही लेते हैं. बस देखो सबसे पहले इसमें जो प्रेजेंट होता है क्लोरीन और कैटलिस्ट दोनों के बीच रिएक्शन होता है. सो इन दोनों में हम बात करें तो क्लोरीन अपना एक क्लोरीन को रेंडर करके किसको एल्युमिनियम क्लोराइड. तो यहां पर बनेगा CaL. देखिए इस केस में एक चार्ज इसके पास आ गया तो एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया कि क्या न्यूट्रल है. एक और क्लोरीन होती है जिसके पास चार्ज आ जाएगा AlCl4. तो कौन सा चार्ज आ गया? माइनस आ गया. तो एल्युमिनियम का वैलेंस +3 होती है इसकी माइनस वन तो -4 हो गया और एक प्लस थ्री एक निगेटिव चार्ज इस पर. इसकी वजह से एक क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज. ये हो जाएगा क्लोरोनियम आयन. क्लोरोनियम आयन्स एक क्लोरीन नेगेटिव मिल गया तो नेगेटिव चार्ज. क्लियर. इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बन गए? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल. और इसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम बेंजीन के साथ कराते हैं तो क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. चलिए इसी एक एग्जांपल से आपको शो कर देता हूं. सपोज इलेक्ट्रोफाइल से यहां पे इसके साथ रिएक्शन करा रहे थे बेंजीन के साथ. ये हो गया Cl+. यहाँ पे ये कौन सा चार्ज है? प्लस. तो वन इलेक्ट्रोफाइल जो है दूसरे पॉजिटिव चार्ज को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया. अभी तो देख रहे हैं क्या लग रहा है कि निगेटिव चार्ज है पर एक क्लोरीन जो निगेटिव आ रहा था उसके साथ बॉन्ड बना के रिमूव हो गए. सो हियर हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय अदर पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल से तो डिस्प्लेस हो रहा है. ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एसिलेशन. अब एसिलेशन में आप लोग क्या लेते हैं? इसमें लेते हैं हम एल्कीन क्लोराइड प्लस इस कंडीशन में क्या है AlCl3. तो इसमें से 1+ फिर इसको दे देंगे तो क्या बनेगा? यहां पर क्या है CH3 क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा CH3+ एंड एल्युमिनियम क्लोराइड माइनस. ये हो गया इसका इलेक्ट्रोफाइल. फिर इसी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है इलेक्ट्रोफाइल. एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन में हम लेते हैं CH3CO3 बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देंगे. ये सेम प्रेजेंस होता है इसमें भी एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड वन क्लोरीन गिव टू दैट एल्युमिनियम. सो AlCl3 जो हो गया नेगेटिव चार्ज. रिमेनिंग क्या बचा? CH3 और CO. सो CH3C डबल बॉन्ड हो गई थी एक और क्लास में कार्बन के पास हो क्या जाएगा? पॉजिटिव. ये हो गया इसका इलेक्ट्रो तो सबसे फर्स्ट क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल्स का जनरेशन. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं नाइट्रेशन का. सो नाइट्रेशन के केस में हम देखते हैं तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है HNO3 और प्रेजेंस क्या रहती है? प्रोटिक एसिड H2SO4. अब देखिए दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगी मोर एसिडिक इन नेचर. अब एक एसिडिक है तो दूसरा कौन सा नेचर हो जाएगा? बेसिक को मतलब एक डोनेट करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा. तो बेस्ट एग्जांपल होता है किसका? एसिड बेस इक्विलिब्रियम का.
ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक्सरसाइज को अलग से लिखता हूँ, एज इन ऑक्सीजन 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 प्लस, इसको भी एज और ये हो गया एज एज ओ थ्री। अब एसिड कौन होता है जो अपने हाइड्रोजन को डोनेट करता है? सपोज हम इसमें से एक हाइड्रोजन डोनेट करा दिए किसको, एच एन ओ थ्री को, तो यहाँ पे बच गया एच एस ओ थ्री, प्रोडक्ट क्या बचेगा, एच 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 एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड को मैं ऐसे शो कर दिया हूँ फाइव बॉन्ड्स फॉर्म में। अब इसके सुन लीजिए, एच एन ओ थ्री और क्या बन गया एफ हम एच एस ओ थ्री, अब ये हो गया माइनस एक बॉन्ड का, ये हो जाएगा प्लस। अब हम इसको यदि इसमें से एच टू को रिमूव करा दें, ये हो गया ऑक्सीजन माइनस एच टू को, तो जो पॉजिटिव चार्ज है किसके पास आया, एनओ टू के पास आया, एनओ टू इसके पास आकर पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज इन इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल। देखिए नॉर्मल कंडीशन में एच एनओ थ्री भी एसिड है, इसको एसिड और भी एसिड, बट ये बेस्ट एग्जांपल है एसिड टू एसिड इक्विलिब्रियम का, क्योंकि एक जो हाई एसिड है वो दूसरे एसिड को डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाला हो गया एसिडिक नेचर और एक्सेप्ट करने वाला हो गया बेसिक नेचर, तो इस तरह से इसमें से क्या हो रहा है एक ओ टू इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। अभी हम फर्स्ट देखें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, ये तो फर्स्ट स्टेप, क्लियर। सेकेंड देखते हैं कैसे वो आगे मूव होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे थे बेंजीन के साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो जब किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल को बी प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ए को प्लस हो सकता है या सी ए प्लस हो सकता है, CH3 प्लस हो सकता है, CH3CO प्लस हो सकता है, जितने भी आपने दिए हैं ये सब, हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर। अब इसका अटैक करा देते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में अटैक करा देते हैं, कार्बन वन, तो चलिए कार्बन वन पे अटैक कराएंगे इस पोजिशन में, पहले से यहाँ था हाइड्रोजन, और क्या जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। सो इसका डिसीजन में इनके जो तीन डबल बॉन्ड थे ये क्या हो गए चेंज हो गए, क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू से फाइव हो जाएंगे, तो इन कंडीशंस में यदि हम देखें इसमें कि यहाँ देखिए वन टू थ्री प्लेस की यदि हम बात करें, यदि आप इलेक्ट्रोफाइल के सबसे नीचे प्लेस पे जोड़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, यहाँ वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, क्लियर। तो यहाँ पे कार्बन केटायन का प्रिपरेशन, मतलब कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड का लॉस हो रहा है, तो क्या कहता है कार्बन केटायन, मतलब इससे इलेक्ट्रोफाइल के लिए चार्ज हमें यहाँ पे आ गए इस पोजिशन पर आ गए कार्बन के ऊपर आयन, ये क्या कहा जाएगा कार्बन एट आयन, या इसी को बोला जाता है यहाँ पे हम जो लिखे थे एरिनियम, क्या लिखे थे एरिनियम आयन, क्योंकि एरिनियम के ऊपर कौन सी चार्ज पर है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब ई के प्लेस में आप एनओ टू लिख सकते हैं, एनओ टू मतलब जो इसमें था पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज को शो कर सकते हैं, क्लियर। यदि आपको अटैक करा है इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर अटैक करा सकते हैं फर्स्ट पे, और यहाँ पे सुपर हम इस पोजीशन में इसको कर सकते हैं, क्लियर। अब अटैक किए गए फर्स्ट पर क्या हो गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोलेंगे एरिनियम आयन। अब देख सकते हैं एरिनियम आयन से इसका फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स, चलिए यदि आपका प्रोडक्ट बना था इस तरह से, सपोज करा रहे हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड फोर का, इस केस में
देखिए मोल ऑफ पोटास, तो इसमें से एच एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दे, क्या करा दे वाला हाइड्रोजन रिमूव, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से ई जुड़ जाए, यहां से जो वाला हाइड्रोजन वाला को रिमूव करा दिए तो HCl प्लस अब क्या हो जाएगा HCl3 हो गया। तो पहले होगा एडिशन ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां इस तरह से कार्बन कैटायन बने, कार्बन कैटायन फिर एक प्रोटॉन को रिमूव करा दिए प्रोटॉन और हाइड्रोजन को, सो वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन HCl क्या बचा AlCl3 बचा। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। सो हियर वी हैव टू क्वेश्चन एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरीनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला ऑप्शन है थ्री स्टेप में, तो फर्स्ट लिखेंगे स्टेप 1, तो फ्लोरीनेशन में क्या लेते हैं CaCl plus AlCl3, so one fluorine paired with aluminium chloride, so that forms chlorinium electrophile plus AlCl4 minus, यहाँ क्या बना electrophile, clear chlorinium electrophile। अब इसके second में क्या बनते हैं कार्बन कैटायन्स, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए group or comment box, clear? Okay, thank you.